नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बारे में, रिलायंस कार इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों जब भी आप इससे गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो ये कंपनी आपको क्या फैसिलिटी देती है, क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है, क्या क्या ऐड ऑन आपको कंपनी देती है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की, रिलायंस कंपनी क्या है। दोस्तों रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो दोस्तों अनिल अंबानी का ये अनिल अंबानी की कंपनी है। धीरूभाई अंबानी जी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी। तो छोटे वाले जो बेटे हैं अनिल अंबानी, उनकी ये कंपनी है। रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की कंपनी है और उस कंपनी के अंदर ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस आती है। 100% सब्सिडरी है ये रिलायंस कैपिटल की। 127 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं। प्रोडक्ट आप कौन कौन से इनसे ले सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, होम इंश्योरेंस ले सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं और मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं आप इनसे। इंडियन कंपनी है ये, 100% इंडियन कंपनी है, बाहरी किसी भी कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर। और सन 2000 से, अगस्त 2000 से ये कंपनी इंडिया में काम कर रही है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की तो ये 98.6% के आसपास है इस कंपनी का। कैशलेस गैरेज की बात करते हैं तो लगभग 8,500 से ज़्यादा इनके गैरेज आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे, तो कैशलेस की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। साल्वेज चार्जेस की बात करते हैं जो 8 से 10% के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ही है। मतलब अगर आप 2 से 3 लाख रुपये का क्लेम अपनी गाड़ी में करते हैं और आपकी गाड़ी में जो पार्ट है वो चेंज होता है, तो उस पार्ट का 8 से 10% आपको पे करना पड़ेगा। नो क्लेम ओनर्स ये भी 50% देते हैं, जैसे बाकी और कंपनियाँ देती हैं। 2 0 डेप के क्लेम आपको ये एक साल में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनसे 0 डेप पॉलिसी ले रहे हैं तो एक बार एक साल में आप 2 क्लेम ले सकते हैं 0 डेप के। अगर आप तीसरा क्लेम लेते हैं तो वो कॉम्प्रेहेंसिव क्लेम काउंट होगा, उसमें आपको शेयरिंग बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा। इंस्टेंट पॉलिसी इशुएंस, पॉलिसी आप बनाते हैं तो इंस्टेंट पॉलिसी आपकी इशू हो जाती है। आप ऑनलाइन इशू करते हैं, आप ऑफलाइन किसी एजेंट से बनाते हैं तो पॉलिसी तुरंत की तुरंत आपको मिल जाती है। सर्वे इनका अच्छा है, क्लेम सर्विस इनकी अच्छी है, ठीक ठाक है सर्विस। जो सर्वे जो इनके सर्वेयर हैं वो भी अच्छे से काम करते हैं, कोई ऐसा डिले नहीं करते, तो आसानी से आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। ऑल इंडियन इसकी प्रेजेंस है कंपनी की, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, देहात में रहते हैं तो हर जगह आपको इसकी प्रेजेंस मिल जाएगी। आपको रिलायंस का इंश्योरेंस, कैशलेस, रिलायंस की ब्रांचेस, ये सभी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इंश्योरेंस आप इस कंपनी से लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, आप कौन कौन से कवर ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कार के बारे में, तो थर्ड पार्टी आप ले सकते हैं जो कि मैंडेटरी कवर है, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसके अलावा पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं। पैकेज पॉलिसी में आपका कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस जो विदाउट 0 डेप होता है, उसके अलावा एक 0 डेप पॉलिसी होती है वो ले सकते हैं। और फर्स्ट पार्टी, कंप्रेहेंसिव कोई फर्स्ट पार्टी बोल देते हैं और 0 डेप को भी कंप्रेहेंसिव में काउंट करते हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज है, कोई 0 डेप बोलता है, कोई कॉम्प्रेहेंसिव बोलता है, कोई फर्स्ट पार्टी बोलता है। अगर आप एड ऑन ले रहे हैं तो 0 डेप बोलेंगे, अदरवाइज कॉम्प्रेहेंसिव फर्स्ट पार्टी उसको बोल सकते हैं। तो उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है ऑन डैमेज का, अगर आपका थर्ड पार्टी चल रहा है तो सिर्फ ऑन डैमेज भी इस कंपनी से आप परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की, कि जब थर्ड पार्टी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या क्या कवरेज आपको मिलती है और क्या क्या एड ऑन आप उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्टी में आपको मिलेगा 7.5 लाख रुपये का प्रॉपर्टी डैमेज। अगर आप अपनी गाड़ी से किसी को डैमेज करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, तो 7.5 लाख कंपनी वहाँ कवर करेगी। और लाइबिलिटी फॉर अदर्स, सामने वाले व्यक्ति मर जाए, उसको चोट लग जाए, कोई इसके शरीर का कोई अंग कट जाए, तो वो जो इस तरह की जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो भी कंपनी कवर करती है, और जितना कोर्ट उनको बोलता है उतना कवर करती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। प्रॉपर्टी के लिए 7.5 लाख, अदर्स के लिए किसी व्यक्ति के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना कोर्ट बोलेगा उतना उसको पे करना होगा। उसके अलावा आप ले सकते हैं ऐड ऑन, जैसे पीए कवर आप ले सकते हैं 15 लाख रुपये का ऑनर के नाम से, आपके नाम से गाड़ी आप अपने लिए ले सकते हैं। पे ड्राइवर के लिए ले सकते हैं, अगर आपने कोई ड्राइवर रखा हो उसके लिए ले सकते हैं। अननेम्ड पैसेंजर, जो भी लोग आपकी गाड़ी में बैठते हैं उनके लिए कवर ले सकते हैं, सभी के लिए 1 लाख या 2 लाख रुपया कवर ले सकते हैं। नेम्ड पैसेंजर आप अननेम के लिए भी ले सकते हैं, आप नेम के लिए ले सकते हैं कि भी फलाना के नाम से आप 2 लाख का कवर लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी 5 लोग या 7 लोग जैसे आपकी 7 सीटर कार है, 5 सीटर कार है उसमें आके बैठे तो उनके लिए भी आप ले सकते हैं। लाइबिलिटी टू एम्प्लॉयज़, अगर आपकी गाड़ी में आपके एम्प्लॉय बैठ रहे हैं या आपके एम्प्लॉय यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप कवर ले सकते हैं। और लाइबिलिटी टू पे ड्राइवर, अगर आपने कोई पे ड्राइवर रखा हुआ तो उसके लिए भी कोई लाइबिलिटी बनती है, कोई एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई भी उसको हानि पहुँचती है तो उसके लिए भी कंपनी आपको कवरेज देती है, आप उसके लिए कवर ले सकते हैं। इनके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पैकेज पॉलिसी की और ऑन डैमेज पॉलिसी की। तो दोस्तों पैकेज पॉलिसी को ही हम कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं और इसको ही हम फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी। दोस्तों
जब भी आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो आपको थर्ड पार्टी मिलता है 3 साल का और 1 साल का मिलता है ऑन डैमेज। पहले पैकेज पॉलिसी मिला करती थी, लेकिन 2018 के बाद से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी आपको 3 साल का मिलेगा और मिनिमम फर्स्ट पार्टी आपको वहाँ पर मिलेगा। आप 3 साल का फर्स्ट पार्टी ऑन डैमेज भी ले सकते हैं। जब भी आप इन दोनों को एक साथ खरीदते थे तो आपको पैकेज पॉलिसी मिलती थी, जब भी आप इनको अलग अलग लेते हैं तो ऑन डैमेज आप अलग लेते हैं और थर्ड पार्टी आप अलग लेते हैं। ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी को मिलाकर ही पैकेज पॉलिसी, कॉम्प्रेंसिव या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। तो जो भी एड ऑन एप्लीकेबल होते हैं वो ऑन डैमेज के साथ भी ये वाले एप्लीकेबल होंगे, पैकेज पॉलिसी के साथ भी ये वाले एप्लीकेबल होंगे। थर्ड पार्टी के जो एड ऑन थे वो मैंने आपको पिछले वाले में बताए थे, वो वाले एड ऑन इसके साथ चलेंगे। तो दोस्तों एड ऑन आप ले सकते हैं पैकेज पॉलिसी में नील डेप्रिसिएशन जो कि आपको रिलायंस देता है, रिटर्न टू इनवॉइस, इसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, आपका एक्सशोरूम पे मिलता है आरटीआई या फिर आपका इंश्योरेंस वैल्यू के साथ मिलता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ मिलता है। तो जब भी आप परचेस करते हैं तो उसको जरूर एक बार देख लें। एनसीबी रिटेंशन ये लेते हैं तो क्लेम लेने पर भी आपका एनसीबी कम नहीं होगा। ईएमआई प्रोटेक्शन, अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है और सर्विस सेंटर में है तो ईएमआई आपके बिहाफ पर कंपनी पे करती है। डेली अलाउंस, वहाँ पर डेली अलाउंस भी आपको मिलते हैं। कंज्यूमर आपको यहाँ से कवर ले सकते हैं, इंजन कवर ले सकते हैं, टायर कवर आपको मिल जाएगा, रिम प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो आपका अलॉय व्हील होता है उसकी जो प्रोटेक्शन होती है आप अलग से अलॉय व्हील लगाते हैं वो भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग, हॉस्पिटल कैश कवर, अगर किसी एक्सीडेंट में व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी कैश कवर आपको मिलता है उसमें। की प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, पे एज यू ड्राइव भी वहाँ पर आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी साल में कम चलाते हैं तो उसके हिसाब से आपको एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 5500, 7500, 8500 और 10500 किलोमीटर। अगर आप इन ऑप्शन में से चूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप 10500 लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप 5500 लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये पे एज यू ड्राइव नहीं लेते हैं तो फिर जो स्टैंडर्ड आपका प्रीमियम आ रहा है वही आपका आएगा। उसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस भी यहाँ पर आप इनके साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एड ऑन भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, अगर आपने अपनी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज अलग से इंस्टॉल कराई है, जो कंपनी से आया है वो तो कंपनी कवर करती है, लेकिन अगर आपने अलग से इंस्टॉल कराया है तो उसको भी आपको अलग से ऐड करना होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से पैसा पे करना होता है। ऐसे ही नॉन इलेक्ट्रिकल, अगर आपने लाइट्स चेंज कराई हैं अपनी गाड़ी में या फिर अलॉय व्हील चेंज कराए हैं, टायर आपने अलग चेंज कराए हैं, तो फिर उनको भी कंपनी को आपको कवर करके कराना होता है, आपको अलग से उसके लिए प्रीमियम पे करना होता है, तभी उसको कंपनी कवर करती है। इसके अलावा अगर आप सीएनजी और एलपीजी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पहले आरसी पर चढ़वाना होता है, बाद में इंश्योरेंस पर भी अपडेट कराना होता है, और सीएनजी की वैल्यू के लिए भी आपको कुछ अलग से पैसा पे करना होता है, तभी कंपनी उसको कवर करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सीएनजी को आप थर्ड पार्टी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इनको आप फर्स्ट पार्टी या ऑन डैमेज के साथ ही यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पॉलिसी लेने के बाद कंपनी किन किन कंडीशंस में आपकी गाड़ी को कवर करती है। तो दोस्तों एक्सीडेंट आपकी गाड़ी का होता है तो कंपनी कवर करेगी, आग लगेगी, चोरी होगी तो कंपनी कवर करेगी, आपको पैसा पे करेगी, नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसमें आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, कंपनी कवर करेगी, इन ट्रांजिट, गाड़ी को कहीं आप लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को फ्लाइट से लेके जा रहे हैं, जहाज के शिप के थ्रू लेके जा रहे हैं तो कंपनी वहाँ पर कवर करेगी अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पर्सनली आपको भी कंपनी कवर करती है, 15 लाख रुपए का कवर देती है आपको, आपके ड्राइवर को, आपके अंदर जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं पैसेंजर्स उनको, उनको भी कंपनी कवर करती है पर्सनल एक्सीडेंट के थ्रू, डेथ हो जाती है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में कवर करती है। मैन मेड कैलमिटीज़, कोई स्ट्राइक चल रही है या फिर कोई टेररिज्म हो रहा है तो उस कंडीशन में भी अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है, आपकी गाड़ी को लोग डैमेज कर देते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी आपको कवर करती है और आपके जितने भी खर्चा आता है गाड़ी में कंपनी आपको पे करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी क्या क्या कवर नहीं करेगी, किस किस कंडीशन में कंपनी आपकी गाड़ी को कवर नहीं करेगी। तो दोस्तों वॉर चल रही है, कोई किसी देश ने हमला कर दिया, किसी देश से लड़ाई चल रही है, उस कंडीशन में गाड़ी डैमेज होगी तो नहीं करेगी कंपनी। इनवैलिड लाइसेंस या फिर विदाउट लाइसेंस, आपका लाइसेंस है वो इनवैलिड हो चुका है, आपका लाइसेंस टू व्हीलर चलाने का था, फोर व्हीलर चला रहे हैं, या फिर आपका लाइसेंस कमर्शियल से गाड़ी चलाने का है लेकिन आप तब भी आप प्राइवेट कार चला रहे हैं तो फिर कंपनी वहाँ पर कवर नहीं करेगी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है ही नहीं तो भी कंपनी आपको कुछ भी पैसा नहीं देगी। ड्रिंक एंड ड्राइविंग, दारू पी के चलाओगे, कोई भी नशा करके गाड़ी चलाओगे तो नहीं मिलेगा, ड्रंक का नहीं है सिर्फ, या कोई भी ड्रग्स आप लेते हैं तो भी कंपनी इसको कवर नहीं करेगी। आउटसाइड जियोग्राफिकल एरिया, अगर आप इंडिया की लिमिट से कहीं बाहर जाके गाड़ी को यूज़ करते हैं तो फिर कंपनी वहाँ पर भी इसको कवर नहीं करती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर रेसिंग में आप गाड़ी को दौड़ा रहे हैं तो कंपनी उसको भी वहाँ पर कवर नहीं करेगी। वियर एंड टीयर, डेली के जो वियर एंड टीयर जो
स्क्रैचेस लगते रहते हैं, आप उनको जमा करके रखते हो, भाई 6 महीने बाद इकट्ठा क्लेम ले लेंगे, या फिर जो मैकेनिकल फॉल्ट्स होते हैं, जैसे आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इंजन में प्रॉब्लम आ गई या कुछ, तो इस तरह के जो डैमेजेज होते हैं वो भी कंपनी कवर नहीं करती है। ड्राइवर नेग्लिजेंस, दोस्तों ड्राइवर की अगर गलती कहीं मानी जाती है, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर की गलती की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर वहाँ पर भी कंपनी आपको पैसा पे नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको क्या क्या डिस्काउंट देती है, और प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर उसमें डिस्काउंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो डिस्काउंट की बात करते हैं तो कंपनी आपको कई तरह के डिस्काउंट आपको देती है, जैसे पे एज यू ड्राइव। अगर आप अपनी गाड़ी साल में कम चलाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है 5500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8500 या 10500 किलोमीटर। ये किलोमीटर आप वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी लेते वक्त, तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है, जो स्टैंडर्ड रेट होता है प्रीमियम का, उससे थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, मान लीजिए आपने 10.5 वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से प्रीमियम पे कर दिया, अगर उससे ज़्यादा आप गाड़ी चलाएंगे तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो मैक्सिमम 10500 किलोमीटर तक ही आपको वो कंपनी क्लेम देगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। वॉलंटरी डिडक्टेबल, जो आपका 1000 रुपये का फाइल चार्ज होता है, अब उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका इंस्टेंट प्रीमियम कम हो जाता है, लेकिन क्लेम के टाइम पर आपको एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर पे करना पड़ेगा। AAI मेंबर्स, अगर आप ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पर देती है, तो वहाँ से आपको कुछ प्रीमियम में थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। NCB डिस्काउंट की बात करते हैं तो अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, मान लीजिए आप 4 साल से गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आप क्लेम नहीं ले रहे हैं, तो आपको हर साल NCB बढ़ता रहता है, आपको कुछ अगले साल हर अगले साल में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ से मिलता है, लेकिन जब आप क्लेम ले लेते हैं तो वो डिस्काउंट आपका कम हो जाता है। तो कोशिश करें छोटे मोटे क्लेमों का इग्नोर करें, उनको अपने कैश में ही करा लें। अगर 2000-4000 रुपये क्लेम है तो अपने NCB को बचाएं, अपना NCB वेस्ट ना करें। ऑन डैमेज डिस्काउंट, तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक ऑन डैमेज डिस्काउंट मिलता है, और कंपनी आपको जोन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कि किस एरिया में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है या फिर किस गाड़ी पे क्लेम का खर्चा ज़्यादा आता है, उस हिसाब से कंपनी ऑन डैमेज का डिस्काउंट डिसाइड करती है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप अपनी गाड़ी की डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑन डैमेज डिस्काउंट गाड़ी के हिसाब से उठा लेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन की, कि प्रीमियम कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और प्रीमियम क्यों कम या ज़्यादा होता है। तो प्रीमियम कैलकुलेशन में आपकी IDV, आपकी गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी, आपका जोन, किस जोन की गाड़ी है, उसके अलावा फ्यूल टाइप, आपकी गाड़ी पेट्रोल है, CNG है, इलेक्ट्रिक है, या फिर और कोई फ्यूल है, तो फ्यूल के हिसाब से भी आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। मॉडल के हिसाब से आप एड ऑन कितने ले रहे हो, आप एड ऑन 0 डेप ले रहे हो, कंज्यूमर ले रहे हो, या सारे एड ऑन ले रहे हो, जैसे आप RTI ले रहे हो, टायर कवर भी ले रहे हो, तो अगर आप बहुत सारे एड ऑन ले लेते हो तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, कम एड ऑन लोगे तो घट जाएगा। कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लेते हो तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, ओनली थर्ड पार्टी लोगे तो प्रीमियम कम आएगा थर्ड पार्टी के हिसाब से, ऑन डैमेज लोगे तो थोड़ा सा और कम आएगा, थर्ड पार्टी ऑन डैमेज को मिला के एक साथ लोगे तो कॉम्प्रेहेंसिव प्रीमियम में तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आएगा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो प्रीमियम को कम या ज़्यादा करते हैं, इसके लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। आप अपनी गाड़ी के डिटेल सिस्टम पर डालते हैं, अपने पोर्टल पर डालते हैं, या पॉलिसी बाजार पर सर्च करते हैं, आपको लगता है बड़ा ईजिली आ जाता है, लेकिन ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद ही आपका डिस्काउंट सिलेक्ट होता है, उसके बाद ही आपका प्रीमियम सिलेक्ट होता है, और जो प्रीमियम आपको 2 मिनट में मिल जाता है उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस वहाँ पर होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि जब भी आप पॉलिसी भराते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको चाहिए अपनी गाड़ी की RC और प्रीवियस पॉलिसी। अगर प्रीवियस पॉलिसी नहीं है तो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी और आपकी गाड़ी की पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन अगर प्रीवियस पॉलिसी चल रही है या फिर पिछले 3 महीने के 90 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हुई है, तो फिर आपको प्रीवियस पॉलिसी चाहिए और RC चाहिए, ताकि आपको NCB का बेनिफिट मिल सके। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो NCB आपको नहीं मिलेगा, तो प्रीवियस पॉलिसी जो उतना ही है, सिर्फ RC चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम, तो उसके लिए RC चाहिए आपको, इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आपको, ID और एड्रेस प्रूफ चाहिए, FIR की कॉपी चाहिए आपको, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और PUC सर्टिफिकेट चाहिए। तो FIR की कॉपी और PUC सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, FIR की कॉपी तभी चाहिए जब आपका थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। उसके अलावा PUC सर्टिफिकेट भी बहुत कम कंपनियां मांगती हैं, कई कंपनियां मांगती हैं, कई कंपनियां नहीं मांगती, तो ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, लेकिन RC इंश्योरेंस कॉपी, RC इंश्योरेंस कॉपी, ID एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, आपने पॉलिसी ले ली, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। साथ ही ये सारी चीज़ें हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इस रिलायंस इंश्योरेंस के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं
कि ये जो कंपनी है रिलायंस, इसका क्लेम एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का एक्सपीरियंस ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, बहुत ख़राब नहीं है, गुड सर्विसेज है, वेरी गुड, गुड तक आप इसे कह सकते हो, एक्सीलेंट मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों में ये डिले भी करती है, क्लेम में पैसा भी काट लेती है कभी कभी, तो मैं एक्सीलेंट कंपनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वेरी गुड और गुड तक मैं इसे रखूँगा। इसके अलावा इसमें जो कमियाँ हैं, जैसे सालवेज चार्जेस ये लोग काटते हैं 8-10%, तो वहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस काट लेते हैं, कुछ कंपनियाँ 5% काटती है मैक्सिमम, और कुछ कंपनियाँ तो जीरो कर काटती है। मतलब अगर आप 2 लाख रुपए का क्लेम ले रहे हैं और आपका जो पार्ट है उसमें 1.5 लाख रुपए का चेंज हुआ है, तो 1.5 लाख रुपए का 8% या 10%, 10% मान लीजिए 15,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एज अ सालवेज चार्जेस, और अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तब भी ये आपका पैसा वापस नहीं करते। तो ये इस तरह की कुछ कमियाँ हैं, तो इस वजह से कंपनी की सर्विसेज में कहीं ना कहीं डेंट लगता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप मान लीजिए और कंपनियाँ हैं, जैसे मान लें जैसे कुछ ऐसी कंपनियाँ, जैसे सरकारी कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियों से बेहतर कंपनी है, आप सरकारी से ज़्यादा सरकारी कंपनी से कराएंगे, गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस कराएंगे, उससे अच्छा है कि आप रिलायंस से करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी दिक्कत नहीं आती, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लेम आपका जेन्युइन नहीं है, मल्टीपल डैमेजेस लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने क्लेम लगे हुए हैं, आपको पूरी गाड़ी भी एक साथ क्लेम चाहिए, मल्टीपल डैमेज दोनों साइड में लगे हुए, आगे पीछे लगे हुए, आपको चाहिए क्लेम, तो कंपनी वहाँ पर रिजेक्ट करेगी, और सारी कंपनियाँ चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी हो उसको मना कर देगी। लेकिन अगर क्लेम जेन्युइन है तो कंपनी कितनी भी ख़राब हो आपका क्लेम आसानी से पास कर देगी। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियाँ होती हैं जैसे सरकारी कंपनियाँ हैं, उनका पता नहीं है, उनका तो भगवान ही मालिक है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, आपने सारे एडों ले रखे उसके बाद भी आपको पूरा पैसा कभी पे नहीं करती। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज का रिलायंस को लेकर। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके वो सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।